पिछले साल आपने पेरिस में खुले दिल से और गले मिलकर बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया था। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मुझे भारत की धरती पर आपका स्वागत करने का मौका मिला। राष्ट्रपति जी, आप और मैं यहां साथ साथ खड़े हैं। हम सिर्फ दो सशक्त स्वतंत्र देशों, वो दो विविधतापूर्ण लोकतंत्र के ही नेता नहीं हैं। हम दो समृद्ध और समर्थ विरासतों के उत्तराधिकारी भी हैं। हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भले ही 20 साल पुरानी हो, हमारे देशों और हमारी सभ्यताओं की स्पिरिचुअल पार्टनरशिप सदियों लंबी है। 18वीं शताब्दी से लेकर आज तक पंचतंत्र की कहानियों के जरिए वेद, उपनिषद, महाकाव्यों, श्री रामकृष्ण और श्री अरविंद जैसे महापुरुषों के जरिए फ्रांसीसी विचारकों ने भारत की आत्मा में झोंक करके देखा है। वोल्टेयर, विक्टर ह्यूगो, रोमन रोला, रेने दोमाल, आंद्रे माल्रो जैसे असंख्य युग प्रवर्तकों ने भारत के दर्शन में अपनी विचारधाराओं का पूरक और प्रेरक पाया है। राष्ट्रपति जी, आज हमारी यह मुलाकात सिर्फ दो देशों के नेताओं की मुलाकात ही नहीं, दो समान विचार वाली सभ्यताओं और उनकी समग्र धरोहर का समागम है, संगम है। यह संयोग मात्र नहीं है कि लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी की गूंज फ्रांस में ही नहीं, भारत के संविधान में भी दर्ज है। हमारे दोनों देशों के समाज इन मूल्यों की नींव पर खड़े हैं। इन मूल्यों के लिए हमारे वीर सेनानियों ने दो विश्व युद्धों में अपनी कुर्बानियां दी हैं। फ्रेंड्स, फ्रांस और भारत की एक मंच पर उपस्थिति एक समावेशी, खुले, समृद्ध व शांतिमय विश्व के लिए एक सुनहरा संकेत है। हमारे दोनों देशों की स्वायत्त और स्वतंत्र विदेश नीतियां सिर्फ अपने अपने हित पर ही नहीं, अपने देशवासियों के हित पर ही नहीं, बल्कि सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को सहेजने पर भी केंद्रित है। और आज वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए यदि कोई दो देश कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं तो वो है भारत और फ्रांस। राष्ट्रपति जी, आपके नेतृत्व ने यह जिम्मेदारी आसान कर दी है। जब 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लॉन्च हुआ था तो पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति जी के साथ हुआ था। कल इंटरनेशनल सोलर अलायंस फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन साझा जिम्मेदारियों के प्रति हमारी कार्यशील जागरूकता का ज्वलंत उदाहरण है। मुझे खुशी है कि यह शुभ कार्य फ्रांस के राष्ट्रपति जी के साथ ही हो रहा है। फ्रेंड्स, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष और हाई टेक्नोलॉजी में भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय सहयोग का इतिहास बहुत ही लंबा है। दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बाइपार्टिजन सहमति है। सरकार किसी भी की हो, हमारे संबंधों का गर्व सिर्फ और सिर्फ ऊंचा ही जाता है। आज की हमारी बातचीत में जो निर्णय लिए गए,
उनका एक परिचय आपको अभी हुए समझौते में मिल गया है और इसलिए मैं सिर्फ तीन स्पेसिफिक विषयों पर अपने विचार रखना चाहूंगा। पहला, रक्षा क्षेत्र में हमारे संबंध बहुत ही गहन है और हम फ्रांस के सबसे विश्वस्त रक्षा साझेदारों में एक मानते हैं। हमारी सेनाओं के सभी अंगों के बीच विचार विमर्श और युद्ध अभ्यासों का नियमित रूप से आयोजन होता है। रक्षा उपकरणों और उत्पादन में हमारे संबंध मजबूत है। रक्षा क्षेत्र में फ्रांस द्वारा मेक इन इंडिया के कमिटमेंट का हम स्वागत करते हैं। आज हमारी सेनाओं के बीच रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के समझौते को मैं हमारी घनिष्ठ रक्षा सहयोग के इतिहास में एक स्वर्णिम कदम मानता हूं। दूसरा, हम दोनों का मानना है कि भविष्य में विश्व में सुख शांति और प्रगति और समृद्धि के लिए इंडियन ओशन क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। चाहे पर्यावरण हो, चाहे सामुद्रिक सुरक्षा या सामुद्रिक संसाधन या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइंग, इन सभी विषयों पर हम अपना सहयोग मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए आज हम इंडियन ओशन क्षेत्र में अपने सहयोग के लिए एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन जारी कर रहे हैं। और तीसरा, हम मानते हैं कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों के उज्जवल भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयाम है हमारे पीपल टू पीपल संबंध, विशेष रूप से हमारे युवाओं के बीच। हम चाहते हैं कि हमारे युवा एक दूसरे के देश को जाने, एक दूसरे के देश को देखें, समझें, वहां रहें, वहां काम करें, ताकि हमारे संबंधों के लिए हजारों एम्बेसडर्स तैयार हो। और इसलिए आज हमने दो महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। एक समझौता एक दूसरे की शिक्षा योग्यताओं को मान्यता देने का और दूसरा हमारी माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप का है। ये दोनों समझौते हमारे देशवासियों के, हमारे युवाओं के बीच करीबी संबंधों का फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों के अन्य कई आयाम है, सभी का उल्लेख करूंगा तो शायद शाम हो जाएगी। रेलवे, शहरी विकास, पर्यावरण, सुरक्षा, अंतरिक्ष, यानी जमीन से आसमान तक, ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर हम साथ मिलकर के काम न कर रहे हों। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हम सहयोग और समन्वय के साथ काम करते हैं। अफ्रीकी देशों से भारत और फ्रांस के मजबूत संबंध रहे हैं। ये हमारे सहयोग का एक और आयाम विकसित करने का मजबूत आधार प्रदान करता है। कल इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस की सह अध्यक्षता राष्ट्रपति मैक्रो और मैं करेंगे। हमारे साथ कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष और मंत्रीगण भी उपस्थित होंगे। प्लैनेट अर्थ के भविष्य की खातिर हम सभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति जी, मुझे आशा है कि परसों वाराणसी में आपको भारत की उस प्राचीन और साथ ही चीर नवीन आत्मा का अनुभव होगा जिसकी तरलता ने भारत की सभ्यता को सींचा है और जिसने फ्रांस के अनेक विचारकों, साहित्यकारों और कलाकारों को भी प्रेरित किया है।
आने वाले दो दिनों में राष्ट्रपति मैक्रों और मैं विचारों का आदान प्रदान जारी रखेंगे। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति मैक्रों का, उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वो रेमर्सी। थैंक यू सर। मे आई नाउ रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस टू डिलीवर हिज रिमार्क्स टू द मीडिया। नमस्ते। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। मिस्टर प्रीमियर मिनिस्टर, chers amis, merci beaucoup pour ces mots, vos engagements et merci pour votre accueil. La visite d'État que nous effectuons avec l'ensemble de ma délégation est un engagement que nous avions pris ensemble au mois de juin dernier, vous l'avez rappelé, lorsque vous avez rendu visite. फ्रांस के बीच कुल 14 समझौते हुए हैं, जमीन से लेकर आसमान तक, जहां पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे और बेहद अहम हो जाता है हिंद महासागर में दोनों देशों का आपसी सहयोग। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।